भारतीय किसान यूनियन गुराह वालों खनौरी बार्डर तो साडा बहुत वड्डा काफला पिछे खड़ा दिल्ली दे विच चल रहे मोर्चे दे विच औरत महिला दिवस असीं मना रहे हां कल नूं 8 तरीक नूं उहदी तैयारी दे विच अज ही बसां साडियां उत्थे जा रहियां ने हज़ारां दी गिणती दे विच साडियां मामा भैणां ने उत्थे पहुंचना क्योंकि मोदी दी सरकार दा जिहड़ा अड़ियल रवैया ये जदों बच्चे बच्चे तक चुल्हे चुल्हे तक गल वगी इस गल ने यह रवैया तोड़ना 250 के लगभग साढ़े किसान मतलब शहीद हो गए उत्थे इस गल का सरकार से कोई फर्क नहीं जे 250 होर हो जाए फिर भी नहीं फर्क पैना सानू पता इस गल का पर सरकार नू फर्क उत्थों पैंदा जो 200 वोट टुटदी आ इस करके सरकार दीआं जिहड़ीआं वोटां ने सियासी कुर्सी सरकार की लोगों ने खिसकियाती हरियाणे दे विच वड्डी पद्धर ते हरियाणा उठ घड़िया यूपी उठ घड़िया केरला दे विच लोग उठ घड़े इस करके सरकार की सियासी कुर्सी आ जिहड़ी उह असीं खिच्चांगे आउण वाले दिनां च ते सरकार नू मजबूर करांगे जिहड़े लोग विरोधी काले कानून ने रद्द करे सरकार घट्टो घट 1.5 लाख साडिया मावां भैणां की गिणती दिल्ली के पहुंचनी है बहुत वड्डा प्रदर्शन ला मिसाल जिवें बरनाले की धरती से 21 तरीक नूं होया प्रदर्शन किसानों का वह कुल देशां च गया कुल मीडिया च गया कल की चर्चा ये बहुत दिन चली जानी है क्योंकि बहुत वड्डा इकट्ठ है जिहड़ा साडा हाँ बिल्कुल साडिया मावां भैणां स्टेज चलाउणगियां उही बुलारे बोलणगियां कल नूं स्टेज आ जिहड़ी इहनां दे हवाले कीती जाऊ साडिया मावां भैणां मैं भुपिंदर सिंह ब्लाक सकत्तर समाणा जिला पटियाला ये जिहड़ा साडा अज दा प्रोग्राम है कौमांतरी महिला दिवस जिहड़ा दिल्ली दे विच मनाया जा रहा है सारे कल्लियां पंजाब तों बीबियां नहीं आईयां सारे खास करके हरियाणा राजस्थान यूपी होर भी बहुत स्टेटां तों वध गिणती दे विच साडियां मावां भैणां धीआं साडे नाल वीरां नाल रल के ये मोदी नूं सबक सिखाउण लई इस संघर्ष नूं होर तकड़ा करन वास्ते ये साडियां धीआं भैणां साडे मोढे नाल मोढा जोड़ के बेशक असीं महिला दिवस मनाउण जा रहे हां पर ये एक तरह का रोस प्रदर्शन है साडियां भैणां वल्लों साडियां मावां वल्लों तां कि जिहड़ा ये संघर्ष है यह आउण वाले टाइम च वध तों वध तकड़ा अते इस नूं होर हलारा आ जावे मोदी सरकार नूं असीं दस देना चाहुंदे आं इस महिला दिवस राहीं कि कल्ले साडे वीर नहीं किसान नहीं जां मजदूर नहीं साडे नाल उन्नी गिणती च उन्नियां ही साडियां धीआं भैणां मावां साडियां मजदूर बीबियां मजदूर मावां सारियां रल के इस संघर्ष नूं वध तों वध पीक तक पहुँचाया जाऊगा जिन्ना चिर इन साडे कानून ये वापस नहीं होंदे असीं किन्ने ही टाइम लग जाए सारियां मजदूर किसान दुकानदार भीर रल के असीं इहनू बहुत लंबा तक लैके जावांगे जिन्ना चिर साडा संघर्ष असीं जितदे नहीं हैगे संघर्ष नूं उन्ना चिर असीं वापस नहीं मुड़दे। रजिंदर कौर अज की कहना चाहुंदे हो जिहड़ा तुसीं अज महिला दिवस मनाउण दे लई जिहड़ा दिल्ली जा रहे हो? मैं तो यही कहना चाहुंदी हाँ भी जिस तरह इंसानों नू बच्चों नू मातावां भैणां बीबियां नू दुखी किया होया मोदी सरकार ने इदां दुखी ना करे तो सब आप अपने घर बहन ये मोदी सरकार है जिहड़ा ये तिन्ने काले कानून वापस लै लवे जल्दी तो जल्दी वापस लै लवे तो सब खुश हो के अपने घर चले जाए। कट्ठ हर एक पिंड चो एक एक हज़ार बंदा और बीबी जा रही है बंदे तो घट ने वैसे क्योंकि ये जिहड़ा काम है ये महिलावां दा ही आ इस करके बंदे घट ने और बीबियां ज्यादा। पहला भी महिला दिवस मनाउंदे हो हर वार इस वार जिहड़ा हैगा तुसीं प्रदर्शन करके मना रहे हो किस तरह दा लग रहा है? पहला तो वीर जी कदे मनाया ही नहीं सी ना सानू पता ही सीगा महिला दिवस दा पहला तो पता ही नहीं सीगा आ मोदी सरकार ने सानू दस्या भी महिला दिवस किस तरह मनाईदा पहला नहीं सी पता। किस तरह दा विरोध करोगे उत्थे जा? हुण तां पूरा विरोध करांगे जिन्ने चिर साडा जोश रहेगा उन्ने चिर असीं जोश नाल बोलांगे और मोदी दे नारे लावांगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਚੱਲਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ हाँ ये सारी असी इधरों ले पिंड जिहड़ा अपना संगरूर जिला ये सारी खनौरी बार्डर तो तुरूगा। महिलावां तो 2-3 लाख बीबियां आउणगियां जी साडे तो
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ।